नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख हो हित इक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ कथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी भाव लख हो, लख हो है लख वीस, लख लख गेड़ा याखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराह पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर जैसा हाँ हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तुम सब सा
प्राणा
शरण तुम्हारे, सत्संगत शरण तुम्हारे। आशा जी वार में पंक्ति आती है, आशा महला पहला, वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से श्रवण कीजिए, आशा महला पहला, वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टुंडे असराजे की तुनी, श्लोक भी महल्ले पहले के, वार श्लोक का नाल। कई सारे वारों में श्लोक नहीं है, इस वार में श्लोक भी है, वो भी गुरु नानक पातशाह के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज छेवें गुरु नानक, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन कर दिए थे क्या वाणी में और एडिशन नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी से कहा था आप एडिशन मत करना और कुछ भी वाणी में, पर आप धुनी ऐड कर सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा। गुरु हरगोविंद साहिब जी की बाणी नहीं है, गुरु हरराय साहिब जी की बाणी नहीं है, गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बाणी नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। फिर सीधा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने पर इसमें धुनी ऐड किया सज दीवार में, और किसकी धुनी? टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, जब यह घटना गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सुनी और वो धुन सुनी तब उन्होंने ये कहा। अब इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है जिसमें महिमा है सत्संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए कथा सुनिए, बड़ी प्यारी है ये कथा। मेरे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी श्रवण कर रहे हैं और उन्हें बहुत भाई ये कथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्रेम वाली बड़ी श्रद्धा वाली साकी है, बाकमाल। एक राजा हुए जिसका नाम आया चित्रकेतु, उसे राजा सारंग भी कहा जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा करके इतिहास में इसका नाम राजा सारंग लिखा है, सारंग राजा। इसके घर में बालक ने जन्म लिया, धर्मी राजा था, ज्ञान वाला था। इसके घर में बालक ने जन्म लिया, 6 साल का हो गया बालक। इसने सारे जितने भी ज्ञानी महाज्ञानी संत महापुरुष सबको इकट्ठा किया, कहने लगा बड़ी जरूरी विचार करनी है, सब आओ। सारे आए, इसके राज्य में जितने भी थे कमाई वाले सबको बिठाया और विचार किए, अपने राजगुरु को भी बिठाया, सबको बिठाया, ज्योतिषियों को बिठाया, कि कहने लगे मैं चाहता हूं मेरा ये बालक, इस बालक का नाम आया अस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस आगे चल के जो राजा बना, अस राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टुंडे अस राजे की धुनी, राजा सारंग कहता है कि मैं चाहता हूं मेरा ये बालक बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा धार्मिक राजा हो। एक हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर, वैसे मैं चाहता हूँ युधिष्ठिर के जैसे ये मेरा बेटा अस हो, इसका नाम रहती दुनिया तक रहे। मैं चाहता हूँ इसके साथ मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये इतना शक्तिशाली हो कि जिस राज्य में, चाहे कोई दूसरा राज्य हो चाहे अपना राज्य हो, जहां पर भी अधर्म हो रहा हो उस राज्य को ये जीत कर वहां पर धर्म स्थापित करे। इतना शक्तिशाली हो कि इससे कोई लड़ ना पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो भी युद्ध करे ये जीते, क्योंकि धर्म इसके साथ होगा ये जीतेगा। ये धार्मिक हो, किसी भी प्रकार अपने धर्म से कभी डोले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कितने उसने बात कही कि शक्तिशाली हो, कभी हारे ना, धर्म से अडिग रहे, और जहाँ पे अधर्म हो वहाँ पे धर्म स्थापित करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कोई छोटी क्वालिटी नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर वाली क्वालिटी मांग रहे हैं। तो सारे संतों, सारे महापुरुषों ने एक मता पास किया, कहने के राजन अगर सच में ऐसा चाहते हो कि ये बालक ऐसा हो कि रहती दुनिया तक इसका नाम रहे, लोग इसे याद करें, तो ये काम करना पड़ेगा तुझे। इस बालक को 12 सालों तक अलग कर ले अपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधुओं की संगत में रख दे, केवल साधुओं की संगत। ना तेरी रानी मिलेगी, ना इसकी माता इससे मिलेगी, ना तू इसे मिलेगा, कोई भी नहीं इससे मिलेगा, दुनिया से कट ऑफ। 12 सालों के लिए साधुओं की संगत में, भोरे में, भोरे का भाव होता है किसी से मिलना जुलना नहीं, साधु की संगत। वहां पर इसे ज्ञान, वहां पर इसे वेद शास्त्र, पूरा धार्मिक माहौल, और इसके अंदर वो सारे गुण भरे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इतना नाम का प्रवाह इसके भीतर चला जाएगा कि अपने धर्म से कभी हिलेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम की ताकत है, साधु की संगत की ताकत है, सत्संगत की ताकत है। सारी रात बैठ के इसे सिमरन कराया जाएगा, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में इससे जाप करवाया जाएगा। एक एक चीज जैसे साधु कहेंगे वैसा इसका जीवन होगा, और उसी में इसे शस्त्र विद्या सब कुछ दिया जाएगा। राजा ने मन बनाया और अपने बेटे को भेज दिया साधुओं की मंडली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जंगल में रह रहा है, दिन रात सिमरन भजन कीर्तन, शास्त्रों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास, 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 12 साल में कोई बात तो है, दास हमेशा कहता है, इतिहास पढ़ा है, बाबा आनंद सिंह जी को 12 साल घालना घलवाई बाबा मार नाम सिंह जी ने। गुरु अमरदास जी ने गढ़वी की सेवा की 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी ने, महाराज ने हजूर साहब सेवा की 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल जब कोई एक नितनेम निभा लेता है ना सात संगत जी, कोई एक नितनेम आपका पक्का है, समझो 40 माला मूल मंत्र या 13 माला मूल मंत्र, नितनेम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई पक्का नेम पक्के समय पर निभा ले 12 साल, चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्राप्ति होती ही होती है, और अगर फिर भी ना हो बहुत बड़ी कहीं गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जाओ महापुरुषों से पूछो, मुझे 12 साल हो गए नितनेम करते हुए, मेरे साथ मेरी अवस्था क्यों नहीं ऊपर बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब 12 साल बाद ये आया बालक राजकुमार अस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता ने कहा, गले से लगाया, प्यार दिया, खुश हुआ देखकर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत, बड़ा शरीर से भी रुष्ट पृष्ट, एकदम शक्तिशाली ताकतवर राजकुमार आया जो धर्म पर अडिग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेज उसके चेहरे से दिखता है। राजा ने कहा, अपनी बड़ी माँ से भी मिल लो, मैंने दूसरी शादी की है, छोटी माँ से भी मिल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी रानी से भी वो चला गया, बड़ी माँ से मिला। बड़ी माँ ने बड़ा प्यार दिया, जिसका ये पुत्र था असल में। बड़ी माँ रानी कहने लगी, अब छोटी माँ से भी जाके मिला उसके कक्ष में। छोटी एक जवान लड़की थी जिसने राजा ने शादी कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा सारंग ने, छोटी उम्र छोटी लड़की, जवान लड़की, और राजा बूढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस राजकुमार जब छोटी रानी के पास गया तो कहने लगा, माता मुझे आशीर्वाद दो। पांव छूने लगा, उसने पांव पीछे कर लिए। कहने लगी, मेरी उम्र तो देख, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, मेरी तो मजबूरी में यहाँ शादी हो गई, मेरे माता पिता ने धन के लालच में मेरी शादी इस बूढ़े राजा से कर दी, तेरे पिता से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी, तू इतना सुंदर है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं भी जवान हूँ, मुझे माँ मत बोल, मेरे साथ प्रेम का संबंध बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगे, माता मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता, आपने मेरे पिताजी से ब्याह किया है, शादी की है,
मैं इस पाप के बारे में तो विचार भी नहीं कर सकता, आप मेरी माता समान हो, माता ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये छोटी रानी बहुत जिद कर रही है इसके साथ, पर ये अपने धर्म से हिला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल का सत्संगत नाम, ये नहीं हिला और वहाँ से चला गया। काफ़ी समय वाद विवाद चला, ये वहाँ से चला गया। अब छोटी रानी हो गई नाराज, गुस्से में, क्रोध में, राजा के पास जाके कहने लगी, आप कहते हो कि आपका बेटा बड़ा धार्मिक बन के आया, 12 साल लगा के इसने मेरे कक्ष में आके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा सारंग हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई छोटी रानी के मुंह में। इसने कुछ ना सोचा, जल्लादों से कहा कि मुझे ऐसा बालक अपना बेटा नहीं चाहिए, मैंने तो इसे सत्संगत में 12 साल रखा अपने से दूर, कि धार्मिक हो क्या है, ये अपने धर्म पर अभी नहीं टिका, आगे क्या टिकेगा, इसे ले जाओ, इसे मौत के घात उतार दो और इसका एक हाथ काट के ले आना निशाने के लिए कि मैं समझूं इसे मार दिया तुमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या पंक्ति आती है, लिखे टुंडे असराजे की धुनी, टुंडा ये अस राजा टुंडा हुआ, टुंडा किसे कहते हैं जिसका हाथ ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक हाथ ना हो ना उसे टुंडा कहते हैं। जल्लाद ले गए, पर जल्लाद जानते हैं कि ये बेकसूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि कहने की ये ऐसा कर ही नहीं सकता, वो छोटी रानी के स्वभाव को भी जल्लाद जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार उनके हृदय में आके बैठा, आपस में विचार कर रहे हैं कि इसे कत्ल नहीं करना चाहिए हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विचार करके क्या किया, कहने लगे इसका एक हाथ काट के ले जाते हैं और इसे कुएं में फेंक देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर निरंकार ने बचाना हुआ तो बचा लेगा, मारना हुआ तो मार देगा, हम नहीं मारते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्यों पाप कमाए, इसका एक हाथ काट दिया, हाथ काट कर लेके राजा को दिखा दिया, राजा अपनी लाइफ जीने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर एक कुएं में बैठा है, रात को बंजारों को टोली वहां से गुजरी है, बंजारों की जो बिजनेस करते ना अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर, प्यास लगी, कुआं देखा, बाल्टी अंदर डाली पानी खींचने के लिए, तो इसने बाल्टी एक हाथ से पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खींच रहे हैं, इतना वजन देखकर सबने खींचा, पता नहीं क्या है, तो बाहर निकला तो देखा एक जवान लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने मरम पट्टी की ओर, कहने लगे हाँ तुझे तेरे घर छोड़ देते हैं। कहने लगे नहीं, मेरे माता पिता ने ही मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मरवाने के लिए जल्लादों के हाथ से, मुझे वापस घर नहीं जाना, नहीं कहा कि मैं राजकुमार। तो बंजारे इसे अपने साथ ले गए दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहां पर पहुंचे तो वहां धोबी घाट पर रुक गए, धोबी कपड़े धो रहे हैं। एक धोबी का ध्यान गया इस पर, कहने लगा मैं सारे कपड़े आपके मुफ्त में धो देता हूँ। बंजारों से कहा ये लड़का मुझे दे दो, मेरे पास कोई है नहीं नौकर काम करने के लिए, ये मेरा काम कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैल के ऊपर कपड़े लाद कर ले जाएगा, ले आएगा, मेरी मदद हो जाएगी। तो बंजारों ने कहा हमारी भी जान छूटती है, इसे कहाँ संभालेंगे, है तो टुंडा, हाथ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए एक लड़का जिसने 12 साल तप किया, नाम जपा, अमृत वेला संभाला, एक जीवन है उसका, उसके जीवन में भी दुख आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कौन होते हैं गुरु को कहने वाले मुझे ये दुख क्यों आया। वाणी कहती है अगर जन्म लिया है दुख और सुख तो चलते ही रहेंगे, आज अगर दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कभी मत कहा करो कि मैं, मुझे इतना दुख क्यों आया, नहीं दुख आना ही है। गुरु से ये अरदास करो पाछा इतनी अवस्था बख्श दे कि दुख दुख ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसा होता है, कितनी बार कितने पहलू आए हैं ऐसे कि गुरु वो अवस्था बख्श देता है कि दुख दुख नहीं लगता, आदमी मुस्कुराता है, लोगों को लगेगा ये दुखी है, इस पे इतना दुख का पहाड़ टूटा है, वो अंदर से मुस्कुरा रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, सूरत जुड़ी होती है नाम से, सूरत जुड़ गई तो दुख दुख नहीं लगता, उसका भाना लगता है, तेरा किया मीठा लागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इस पर इतने दुख आए, राजा का बेटा
धोबी घाट में धोबी के बैल में कपड़े उठा के ले जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या हुआ, नेत निरंकार के उस राज्य का राजा मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस राज्य में अब ये पहुंचा है, सारे मंत्रियों ने भी विचार किया कि अब धार्मिक राजा चाहिए हमें भी, जो राज्य में धर्म स्थापित रखे। कैसे करें, किसको बनाए? और वो कानून था कि मंत्री राजा नहीं बन सकता, और राज्य का कोई बेटा नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे महापुरुषों को इकट्ठा किया फिर से उस राज्य के मंत्रियों ने भी, कि आप कोई ऐसा कोई तरीका बताओ कि हमें कोई योग्य राजा मिल जाए, जो बहुत कमाई वाला हो, धार्मिक हो, पुण्यों वाला हो, दयावान हो, जिसमें प्रजा सुखी रहे। तो महापुरुषों ने कहा, नगर के चारों दरवाजे बंद कर दो, ताले लगा दो उस पे। हम मंत्र जाप कर देते हैं तालों के ऊपर और निरंकार से प्रार्थना करते हैं कि ये ताला किसी चाबी से ना खुले। जब किसी बहुत बड़ी पुण्य आत्मा, जिसके बहुत अच्छे संस्कार हो, बहुत ज्यादा पुण्य हो, जिसने सत्संगत बहुत की हो, जिसका हृदय दयावान हो, उसका हाथ लगे, तब ये दरवाजा, ये ताला अपने आप खुले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गया हुआ है धोबी के साथ घाट पे, अस राजकुमार। धोबी कहता है, कपड़े लेकर राज्य में वापस चला जा, मैं आता हूँ। ये जा रहा है, देखा दरवाजे बंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोगों ने हाथ लगाए ताले पर, किसी से नहीं खुला। पर जब इसने अपना टूटा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ ताले को छुआया, टच किया, ताला खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है, गुरु हरगोविंद साहब जी सर्वन कर रहे हैं संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका नाम आ गया आसा जी दीवार में, टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कैसे खुला ताला, नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम की ताकत। ये नाम, ये सत्संगत किस्मत का ताला खोल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की इतनी बढ़िया है ना, सत्संगत जी को यहाँ मन करके बैठा हो, कहीं उसका नुकसान होने वाला हो वो भी कट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने घटना सुनी है, रानी की खड़ाऊ कैसे जुड़ गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। मानो मानो सत्संगत शरण तुम्हारे, सत्संगत शरण तुम्हारे। बोलिए धन गुरु नानक। ताला खुल गया, मंत्रियों ने इसे राजा बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, मुझे क्यों राजा बना रहे हो? कहने लगे, नहीं, आपके हाथ लगने से ही ताला खुला है, राजा बन गया। इसने ऐसा धर्म का राज स्थापित किया, काफी साल बीत गए, कि नगर में कोई दुखी नहीं, सबके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुखी हैं, फसल इतनी ज्यादा होती है कि इकट्ठे करने की जगह नहीं है रखने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब धर्म का राज हो ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती राज्य में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसके पड़ोसी राज्य, जहां पर इसके पिता का राज्य था, जहां से इसे निकाला गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, वहां पर अकाल पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लग गए, खाने को कुछ नहीं, क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही वहां पर। पड़ोसी राज्य है, बरसात यहाँ पर होती है, वहां नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अधर्म है वहां पर। उस राजे की छोटी माँ से जो दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम है सुल्तान, एक का नाम है खान, उन दोनों ने इतने जुल्म किए कि वहां पे अधर्म का राज हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा भी परेशान है, इसने मदद मांगी इस राज्य से, इसे नहीं पता इसका बेटा अस यहाँ का राजा बन चुका है।
इसने मदद मांगी राजा से। राजा अस राजा ने इतना ज्यादा अनाज भेज दिया वहां पर कि वो हैरान हो गया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से मदद मांगी थी, किसी ने मदद नहीं की, पर अस राजा ने गोदाम भर दिए वहां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ, इतना दयावान कौन है, इतना कुछ भेज दिया और मांगा कुछ भी नहीं। शुक्राना करने के लिए खुद गया वहां पर और इसे देखकर भी पहचाना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय बहुत बीत चुका था तो कहने लगा, आपका धन्यवाद, आपने इतना अन्न भेज दिया और मांगा इसके बदले कुछ नहीं, मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ। तो अस राजा कहता है, पिताजी धन्यवाद किस बात का, बेटे का तो फर्ज होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हुआ, ये तो मेरा बेटा अस है। कहने लगा, तू बच कैसे गया? तो उसने सारी घटना बताई कि छोटी रानी ने क्या कहा था और मैंने क्या किया था और आपने क्या किया था। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, राजा सारंग बहुत शर्मिंदा हुआ, आंखों से आंसू आ गए कि मैंने तेरे साथ क्या किया है और उसका बदला ही मुझे मिला कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और ऐसे पुत्र मिले हैं कि जिन्होंने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तू आ जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये राज्य के साथ अपना राज्य भी संभाल जो तेरा है, जिसकी वजह से मैंने तुझे मांगा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी वजह से मैंने तुझे 12 साल अपने से दूर रखा था। तो कहते हैं, पिताजी आप चलो, मैं आता हूँ कुछ दिनों में। जब राजा सारंग वापस गया, बच्चों को पता चला, खान और सुल्तान को, कि ये अस राजा को अपना राज्य देना चाहता है, उन्होंने पिता को पकड़ कर जे कारागार में डाल दिया, जेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब अस राजा को पता चला तो यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ, राजा अस के राज्य में और खान और सुल्तान की सेना के बीच, और जीत तो होनी ही थी अस की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हाथ से भी इतना बड़ा योद्धा था महाबली ये, कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था, जबकि एक हाथ नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सबको हरा कर अपने पिता को जेल से छुड़ाया, वो राज्य संभाला, धर्म का राज स्थापित किया। उसके बाद जो इसके पिता की इच्छा थी, पूरे भारतवर्ष में कहा जा रहा है कि जहां जहां भी अधर्म का राज हुआ, इसने वहां पर हमला कर दिया, उस राजा को हराया और धर्म का राज स्थापित किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा अधर्म करने से डरने लग गए, अपने आप धर्मी हो गए, क्योंकि अगर हमने अधर्म किया ये चढ़ाई कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब भी हर राज्य में जब ये कहीं से गुजरता था तो इसके आवभगत में एक धुनी बजती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो धुनी बजती थी, वो धुनी इतनी अच्छी लगी गुरु हरगोविंद साहब जी को, उन्होंने कहा कि आशा जी दीवार को इस धुनी में भी गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अस राजा के नाम अमर हो गया, क्योंकि वो गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसका नाम शामिल कर लिया वाणी के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो धुनी क्या है, हर अमृत पिन्ने लोयणा, पिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतन राम राजे, मन प्रेम रतन राम राजे, हर अमृत पिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतन राम राजे, मन प्रेम रतन राम राजे, मन राम कसवटी लाया, कंचन सोविन्ना, कंचन सोविन्ना, से बोलिए धन गुरु नानक। ये धुनी भी अमर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखे टुंडे अस राजे की धुनी, जहां से भी अस राजा गुजरता था वहां पर ये धुनी बजाई जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आशा जी दीवार के श्लोक गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे, इस धुनी में भी गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
अगर यहाँ पर सवाल क्या खड़ा होता है, क्यों वो धर्म से नहीं डिगा, क्यों दरवाजा खुला, क्यों गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उसका नाम अमर कर दिया, सतसंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल जो उसने साधुओं की संगत की, नाम जपा ऐसा रंग चढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर वो वचन याद आ जाते बाबा महा हरनाम सिंह जी के, माताओं बड़े ध्यान से सुन लो, दास बहुत बार कहता है, बाबा माँ हरनाम सिंह जी के पास कोई आ गया था, सवाल किया था, पाछा आप कहते हो कि जब बेटा कोख में हो, बालक कोख में हो, बच्चा कोख में हो, तब नाम जपो तो भगत पैदा होता। अब हमसे भूल हो गई है, हमने नहीं जपा, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो अब क्या करें। तो कहने लगे, माता अगर 1 साल तक बच्चा चाहे सो रहा है, चाहे दूध पी रहा है, चाहे खेल रहा है, अपने नित्यनेम के अलावा माता अगर एक श्री सुखमणि साहब जी का पाठ पढ़ती है उस बालक के लिए 1 साल तक केवल अमृत वेले, ध्यान से सुन ले माता, वाणी की ताकत देखो, माता अगर बालक खेल रहा है, सो रहा है, चाहे दूध पी रहा है, पास में बैठकर अपने नित्यनेम के अलावा अगर एक पाठ श्री सुखमणि साहब जी का करती है, तो बालक बड़ा होकर गुरुमुख ही बनेगा, मनमुख नहीं बन सकता। इतनी बड़ी ताकत है वाणी की। एक सुखमणि साहब जी का पाठ 1 साल तक माता सुना दे अपने बच्चे को, क्योंकि बुरी संगत आएगी उसे लेने, पर उसका असर उस पर नहीं होगा, क्योंकि सुखमणि साहब जी की वाणी अंदर रच चुकी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो, समय निकल गया तो अब संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतसंगत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माधो माधो सतसंगत शरण तुम्हारे, सतसंगत शरण तुम्हारे, माधो माधो सतसंगत शरण तुम्हारे, रह बिना पर साध वरतावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल पॉइंट यहाँ पर छोटा था, लंगर प्रसाद पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में एक हिस्सा सत्संगत का लंगर भी है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में लंगर एक सपोर्ट है, बड़ी ध्यान से सुनना, ये बहुत मेन पॉइंट है। ये जितने भी स्थान के जितने भी प्रबंधक हैं सब सुन लें, और ये तो हर प्रबंधक को तो जरूर सुननी चाहिए ये बात, किसी भी गुरुद्वारे का वो हो, क्योंकि हमने सत्संगत से ज्यादा महानता लंगर को दे दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर बहुत जरूरी है, पर लंगर सत्संगत की वजह से लंगर है, लंगर की वजह से सत्संगत ना हो जाए कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेन पॉइंट है सत्संगत, लंगर उसकी सपोर्ट के लिए, कि आदमी खाकर बैठे, तृप्त होकर बैठे, ताकि उसका मन जुड़े। ये नहीं कि बाहर 36 प्रकार के भोजन लगे हों और अंदर बैठने वाले के मन बाहर हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है, खास करके आप नॉर्थ साइड में चले जाओ, बॉम्बे में भी, बीच में यहाँ पे इतना बड़ा कीर्तन दीवान हुआ बॉम्बे में, सारे बड़े से बड़े रागी, जितने भी गाने को गाने वाले रागी होते हैं, बड़े नाम वाले, सबको बुलाया गया। जू पर प्रोग्राम था और रागी, हर रागी एक ही अनाउंसमेंट कर रहा था, भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जगह खाली पड़ी है, इतनी संगत आई है, हम जब आए हैं रास्ते भरे पड़े हैं, पर अंदर कोई आ ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा, क्यों? बाहर 36 प्रकार के लंगर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दास को दिल्ली बुलाया गया एक जगह पे, कुछ साल पहले की बात है, कीर्तन करने। वो जहाँ से कीर्तन करने के लिए जाना था ना, इतना ही लंबा रास्ता था, जहाँ से समझो वो किशोर पेटी से यहाँ तक गेट तक लाइन से पकवान बन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ, मेरा मन भी खाने का कर रहा है, तो संगत का कहाँ मन करेगा बैठने का? मेरी तो मजबूरी है, मुझे बैठ के कीर्तन करना है, मैं रुक नहीं सकता। संगत के पास क्या है, वो तो बैठ के खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ट्रेंड है अभी, इतना सारा लंगर की, और
और जब कहो ना कि पहले कीर्तन होने दो फिर लंगर चालू करो, तो पता है जवाब क्या मिलता है? गुरु अमरदास जी का ये वचन है कि पहले पंगत फिर संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही है, पहले पंगत फिर संगत। पंगत में दाल रोटी है, सादा लंगर होता है, बैठ कर उसके बहुत सारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके बारे में पूरा रहतनामा उच्चारण किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि लंगर बनना कैसे है, बनाना कैसे है, बांटना कैसे है, करना क्या है, कहाँ बैठ के खाना है, खड़े होकर खाना है कि बैठ के खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शेफ बना रहे हैं खाना, अगर बनाने वाले जो बाहर से पैसे देकर बना रहे हैं खाना, वो लंगर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर प्रसाद जो संगत बनाए नाम जपते हुए। गुरु अमरदास जी ने जब कहा था पहले पंगत फिर संगत, 24 घंटे कीर्तन चलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हरिमंदर साहब में 24 घंटे कीर्तन चलता है, तो आदमी 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, थक गया, फिर भूख लगी, चला गया, फिर आके फिर सुन सकता है। जब दीवान ही 2-3 घंटे का हो, लोग दूर दूर से आए हों, इतना खर्चा किया हो, किस लिए किया है कि जीवन किसी का बदले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस लिए किया है कि कुछ सीखने को मिले, कि आटा खाने आए हैं यहाँ पर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन तो रोज खाते हैं सब। जब सत्संगत रखो, जब दीवान रखो, तो पहले भोजन खिला के भेज दो, एक बार कीर्तन शुरू हो जाए, उसके बाद लंगर बंद कर दो, फिर समाप्ति के बाद लंगर। क्योंकि असल मकसद लोगों का जीवन बदलना है, खाना खिलाना नहीं। खाना लोग रोज खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने इतना खर्चा किया है, क्योंकि मैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है ना कीर्तन का, ये प्रॉब्लम आज फेस करनी पड़ती है, मुझे समझाना पड़ता है। वो कहते भाई साहब लंगर कैसे बंद करें, संगत खाने बैठी है। अरे संगत लंगर खाने के लिए बुलाई है आपने कि कीर्तन सुनने के लिए बुलाई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन पलटेगा कीर्तन से, सत्संगत से, के लंगर से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाकर, थोड़ा खाकर तृप्त होकर बैठना है, लंगर इसलिए है। दूसरा, बाद में लंगर इसलिए रखा है, उसके कारण है कि जो माताएं बहनें बैठी हैं वो बेफिक्र होकर सत्संग सुने, आनंद ले, कि घर जाके खाना फिर बनाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कंसेप्ट था। जोड़ा घर क्यों बनाया है? चप्पल ऐसे भी उतार के जा सकते हैं कि अंदर बैठ के कहीं यही ना डर रहे कि मेरी चप्पल कोई ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी इसी डर में बैठे रहा, कोई महंगा जूता पहन के आया, मेरा कोई ले जाएगा तो ध्यान कैसे जुड़ेगा? इसलिए जोड़ा घर बनाया है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जोड़े सेफ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बैठे निश्चिंत होकर ना चप्पल का डर रहे, ना भोजन का डर रहे कि कीर्तन के बाद खाना मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि कीर्तन छोड़ के बाहर खाते बैठे। अभी लंगर है क्या? लंगर को प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी, भाई कान सिंह नाबा ने बड़ा प्यारा डिस्क्राइब किया है। जहाज जाता है पानी में, जब उसे रोकना होता है तो एक लंगर छोड़ते हैं, पता है ना, उसे लंगर कहते हैं जो छोड़ते हैं। वो धरती पर जाकर गिरता है, बहुत हैवी होता है, और जहाज रुक जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पानी में ब्रेक नहीं होती, लंगर से रोकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टायर तो चल नहीं रहे, एक बड़ा सारा लंगर फेंकते हैं जिससे धरती पर जाके वो रुकता है और शिप रुक जाती है। लंगर क्यों नाम दिया गया इसे? नीचे धरती पर जाकर जब गुरु अमरदास जी ने लंगर का प्रथा शुरू की, उस वक्त ऊंची जात नीची जात भेदभाव बहुत ज्यादा था, उसे खत्म करने के लिए गुरु अमरदास जी ने यह फैसला किया कि आज के बाद जो भी अंदर दर्शन करने आएगा पहले पंगत में बैठकर लंगर खाएगा। भाव सब अमीर गरीब छोटी जात बड़ी जात एक साथ धरती पर बैठकर भोजन खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मन से भेदभाव मिटाए, विनम्र होके अंदर आए, तभी तो कुछ लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार में भीतर है तो कुछ मिलेगा नहीं। और उस समय ये बहुत ज्यादा प्रचलित था कि मैं बड़ी जात वाला छोटी जात के साथ नहीं बैठूंगा। गुरु अमरदास जी ने असल में इस कंसेप्ट को खत्म किया, बड़ी जात छोटी जात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर राजा भी जब मिलने आया था ना, अकबर राजा गुरु अमरदास जी के बाहर खड़ा हो गया कि दर्शन करने, तो गुरु अमरदास जी ने सेवादार से कहलवाया कि पहले पंगत में बैठ कर लंगर छक कर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अकबर राजा पंगत में बैठकर भोजन खा के आया था सबके साथ, कॉमन मैन की तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु अमरदास जी ने उसे दर्शन दिए थे। ये कंसेप्ट था उस वक्त, आज भी है। अगर कीर्तन में बैठना है, बाहर से घर से कुछ खा के आए, बाहर से उस वक्त लंगर चल रहा है, पर कीर्तन में बैठने के बाद
लंगर के लिए तो मत उठो, वो बॉम्बे में हर रागी यही अनाउंस करता रहा कि भाई आ जाओ अंदर आ जाओ। और आप कोई भी दीवान देख लो जहाँ बहुत सारे कीर्तन चल रहा होता है और 5-6 घंटे का कीर्तन होता है और बाहर स्टॉल लगे होते हैं, हर कीर्तन ये है कि हर प्रबंधक अनाउंसमेंट कर रहा था हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, भाई जो बाहर खड़े हैं जो बातें कर रहे हैं जो लंगर छक लिया अंदर आ जाओ बैठो, कीर्तन ये कीर्तन कर रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कितनी बड़ी निरादरी है गुरबाणी की कि गुरु की बाणी को छोड़ के हम पेट पूजा में लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हाँ सत्संगत शरण तुम्हारी, की मर्यादा जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचन है, दास लिख कर लाए सर्वन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट में 15 मिनट में 1:15 तक दास भोग डाल देगा। स्नान सुच्चे वस्त्र नाम जपते हुए, स्नान अगर नहीं किया हुआ सुच्चे वस्त्र नहीं पहने हुए स्नान किए बिना कोई लंगर बनाता है पाप कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि इसका भोग लगना है गुरु को, फिर नाम जपने वाली संगत ने खाना है। बाबा माँ हरनाम सिंह जी इतना ज्यादा नाराज होते थे अपने सेवादारों पे, एक बार बैठे थे अंतर्जामी थे कमाई वाले हाथ की, अचानक अपने सेवादार को भेजा, कहने लगे जनेलिया जाके बोल कि वो बातें कर रहे हैं जो लंगर बना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बैठे कहाँ है लंगर हॉल में जहाँ लंगर बन रहे हैं वहां कहने बातें कर रहे हैं, और उन्हें बुलाओ। बुलाया तो इतना ताड़ने के, कहने के पता है तुम्हें कितनी बार समझाया कि यहाँ पे जो लंगर बनता है नाम जपने वाली रुए खाती हैं, अगर बातें करते हुए बनाओगे उनका मन नहीं जुड़ेगा नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पाप किसके ऊपर इसका, इतनी ताड़ना करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लंगर में वो ताकत है सात संगत जी, कई लोग लंगर लेते नहीं इस बात को भी समझ लेना, कई लोग लंगर खाते नहीं कि हमारे घर में सब कुछ है हमें क्या जरूरत है, और लंगर सर पे वजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, महापुरुष समझाते थे लंगर जरूर लेना है, चाहे एक नहीं वाला लो और हाथ फैला कर लो। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, जो दो हाथ फैला कर लंगर लेता है ना उसे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कभी दुनिया में, ये लंगर की बड़ियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो दो हाथ लंगर के लिए फैला दे अगर मन में ये है कि मैं बड़ा हूं मुझे जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरी बात कहते थे लालच से भी नहीं खाना, जितना मिले उतना खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर वो वजन है सर पे, जब कोई लालच करके खाता है तो अपने नितने में से हिस्सा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दोनों बातें हैं यहाँ पर, खाना भी जरूर है और लालच भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन दास शॉर्ट में लिख कर लाए, नहीं तो इतनी सारी पंक्तियां पढ़ने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। पाँव में चप्पल ना हो श्रद्धा से बनाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये लंगर प्रसाद बन रहा है, तंबाकू बीड़ी वाला लंगर बनाने में शामिल ना हो ना बांटने में शामिल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुचमता से भाव, कभी भी स्वाद ना चखे लंगर बनाने के बाद नमक कैसा है, जैसा भी है गुरु कृपा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, स्वाद देख लिया झूठा हो गया, सुचमता से बनाए, हो सके तो मुँह पे कपड़ा भी बांधे क्योंकि नाम जपते हुए कभी कुछ बोलते हुए थूक गिरती है मुँह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुचमता इतनी जरूरी बताई है ना जो यहाँ पर कोई 99% कोई संभालता ही नहीं, एक दूसरे का झूठा खाते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और इसे बड़ा छोटी बात समझते हैं। एक्चुअली में कैसे है ना, अगर लेवल ये है ना नर्सरी वाला तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी 10th, 9th, 11th में पहुँचता है ना स्कूल में, गुरु नानक स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, मन खिंडता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जूठा खाना जूठा देना अमृत छकते वक्त दोनों की मनाही की जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि ना अपना जूठा देना है ना अपना जूठा किसी का जूठा खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास भोग लगे मर्यादा से तभी वह लंगर प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुचमता से बनने के बाद ये सारे पहलू होने के बाद अरदास हो,
और अगर लंगर प्रसाद, हमारे यहाँ तो सिस्टम अलग है ना, सुबह सुबह सबको जाना होता है, पार्सल लेते हैं, वैसे जो लंगर प्रसाद की मर्यादा है धरती पर बैठ के खाने की है, कुर्सी टेबल पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मजबूरी होती है, किसी के घुटने में तकलीफ है तो वो कुर्सी पे बैठा है, कोई ऐसे ही बैठा है गुरु साहब जी की हजूरी में कुर्सी पे, ऐसे ही पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लंगर खाना भी जरूर है, लालच भी नहीं करने। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते, जब लंगर प्रसाद लो ना तो ये मन में धारणा जरूर लाओ, पता नहीं किस नाम जपने वाले के हाथ से आज ये बना है। कहते थे कई बार एक महापुरुषों के हाथ से मिला हुआ लंगर कपाट खोल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके बाद आती है कड़ा प्रसाद की मर्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो किसी और दिन लेंगे, समय हो गया है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमें संगत में आना आ जाए। बहुत पहले गुरु ने समझा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, आना कैसे, बैठना कैसे, जाना कैसे, लंगर प्रसाद कैसे लेना है। बेनती है दास से, लंगर प्रसाद लेते वक्त चप्पल उतार के ले लिया करो, लेके चप्पल पहन लो, एक रिस्पेक्ट होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना बांटने वाले पैर में चप्पल पहने, ना लेते वक्त पहनो, क्योंकि यहाँ पर पार्सल का सिस्टम है, तो चप्पल उतार के श्रद्धा के लिए, एक सेकंड के लिए चप्पल उतारने में क्या जाता है, लंगर प्रसाद ले लो, गुरु की कृपा मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जितना सत्कार हम गुरु का करेंगे उतनी ज्यादा सुमत मिलेगी, बाबा आनंद सिंह जी के वचन। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न की, कह रविदास चमारा, शरण तुम्हारी संगत।
दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना जाऊं जो पर जाओ सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उभरी है अर्ध काल का त्रास नुवरी है हो जो सदा हमारे पछा यस तुझ जो करियो रचा राख ले मोय राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जमन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जग छन उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है पट पट के पट पट की जान जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब अकर्क करतो कब मैं मिलत देत
कर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ तांका मूढ़ उचार तो भेदा को पेव न पाप तो भेदा तांको कर पान अनुमान महा मूढ़ कच भेद न जान महान देव को कह तु सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती तो पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा प्योराव कई कोपा अंडज जे रज से तज कीनी कुछ खान पाओ रच देने कहूं कोल राजा हव बैठा समट प्यो संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो करो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे के दुष्ट दुख तो हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला उष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहरो ताके तापत नगम हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट जा छै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम ते हारो कहा दुष्ट लोक ते खड़ग केत में शरण तिहारी हाथ दे ले सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दोख दे ले बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी हाथ दे ले सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दोख दे ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार ना सुनाचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे घर तेरे सब कुछ है जिते सुपारे सच्चे सैल क्या नाईं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुक्कां सब गवाईयां कर सान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईयां सबागे घर सबागे सबद वाजे कला ज करतारिया पांच दूत बस कीते काल कंटक मारिया मन सुनो बड़बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत क्या
ते पवि सतगुरु रया प्रभुरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता धर्म हजूर करमी आपो अपने जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया वाहे गुरु 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 वाहे काल नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सजदा करना एक रसूल हो गया दर तेरे आके सजदा करना एक रसूल हो गया दुनियादारी दा मसला ता हुन फिजूल हो गया दुनियादारी दा मसला ता हुन फिजूल हो गया तू कितियां ने रहमता दिया बारिशां इस तरह कितियां ने रहमता दिया बारिशां इस तरह तैनू सीस निवाना मैनू बस कबूल हो गया तैनू सीस निवाना मैनू बस कबूल हो गया शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना 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 गुरु जी तेरा शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना चोलियां पर के प्यार तेरा मिलिया चोलियां पर के चोलियां पर के
मतलब दी इस दुनिया दे विच तेरा साया ही हम साया मतलब दी इस दुनिया दे विच तेरा साया ही हम साया शुक्राना हर चीज जो तुसी दित्ती है रीजा भी पूरी है कितिया ने जो नहीं भी मिल पाया है फिर भी हौसला बदाया है दुख दूर करन दा शुकराना कोल रखन दा शुकराना कोल बुलाउन दा शुकराना कोल बुलाउन दा शुकराना सत्संग करवाउन दा शुकराना प्रसाद द शुकराना हर स्वाद दा शुकराना हाथ जोड़ के शुकराना हर वार दा शुकराना सो वार दा शुकराना तेरे प्यार दा शुकराना सजदा करना एक रसूल हो गया दर तेरे आके जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे नमः शिवाय।
जो ग्राउंड फ्लोर पर मरीज बैठे हैं, बाहर से आए हैं हॉस्पिटल से, उन्हें ये पेपर जरूर दे दिए जाए, वो वांझे ना रह जाए। एक बात यहां पर दास स्पष्ट कर दे साथ से,
के जो शब्दों का जाप दास कराने जा रहा है, मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी बैठा होगा ना, आप में से भी कोई, तो भी ये वही चमत्कार करेगी जो मेरे बोलने से होने वाला है। कहने का भाव, ये इसलिए देह अरोग नहीं होगी हमारी क्योंकि ये मैं करा रहा हूँ, ये इसलिए होगी क्योंकि ये गुरबाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी देह अरोग हो जाएगी ना, हम आएंगे यहाँ पर, तो मैंने कहा मेरे कहने से नहीं होगी, ये आपकी भावना से होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल। गुरु मेहर करे हमें सुनने की, मन जोड़कर जपने की सुमत बख्शे, कृपा करे। आओ अब मन बिरत्या एकाग्रचित कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, सावधान हो जाइए बिल्कुल, और सेवादारों से बेनती किसी भी प्रकार का शोर ना होने दें, किसी भी प्रकार का। गुरु मेहर करे कि बिल्कुल मन एकाग्रचित हो जाए। गुरु नानक पातशाह मेहर करके हमारा मन अपने चरणों से जोड़ ले। मेरे देह में भी रोग है, इसकी देह में भी रोग है, ये भी बीमार है, हम सब बीमार हैं, किसी को छोटी बीमारी किसी को बड़ी। गुरु मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें, तक की नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु नानक की मेहर के बिना हो सकता है? इतनी संगत रात को जुड़ी बैठी है संगत में, सत्संगत में, ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष। आओ सब मिलकर पढ़े धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप, फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु नानक 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 बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता दुख हंता सुख रास सुख रास तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता सुख रास सुख रास ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लगे जाके प्रभु आगे अरदास ताको बिघन ना को लागे बिघन ना को लागे जाके प्रभु आगे अरदास मलार महला चौथा हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार मोह
मोह माया धार अंधकूप महापयान नानक पार उतार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यातं कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासट पसमं करोत नानक जैसे पावक कासट पसमं करोत घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु नाम औखद जह हृदय हितावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है भाई गुर पूरे बिन विद ना बनाई गुर पूरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो
तुम्हारी रानी आयो। नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ भैरो महल्ला चौथा। भैरो महल्ला चौथा उठत सुखिया। उठत सुखिया बैठत सुखिया। बैठत सुखिया भाव नहीं लागे। भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। जा ऐसे बुझिया राखा एक। राखा एक हमारा स्वामी। हमारा स्वामी राखा एक। राखा एक हमारा स्वामी। हमारा स्वामी राखा एक। राखा एक हमारा स्वामी। हमारा स्वामी सगल घटा का। सगल घटा का अंतर जामी। अंतर जामी रहाओ। सोए अचिंता। सोए अचिंता जाग अचिंता। जाग अचिंता जहाँ कहाँ। जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तनता। प्रभ तू वर्तनता घर सुख वसया। घर सुख वसया बाहर सुख पाया। बाहर सुख पाया कहो नानक। कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। गुरु मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसया। घर सुख वसया बाहर सुख पाया। बाहर सुख पाया कहो नानक। कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। गुरु मंत्र दृढ़ाया बाणी गुरु। बाणी गुरु गुरु है बाणी। गुरु है बाणी विच बाणी। विच बाणी अमृत सारे। अमृत सारे गुरबाणी कहे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। परतख गुरु निस्तारे। परतख गुरु निस्तारे। परतख गुरु निस्तारे एक आस। एक आस हर मन रखो। हर मन रखो एक आस। एक आस राखो मन माहे। राखो मन माहे एक आस। एक आस राखो मन माहे। राखो मन माहे एक आस। एक आस राखो मन माहे। राखो मन माहे सर्व रोग। सर्व रोग नानक मिट जाहे। नानक मिट जाहे सर्व रोग। सर्व रोग नानक मिट जाहे। नानक मिट जाहे एक आस राखो मन माहे। राखो मन माहे सर्व नानक मिट जाए। सोरठ महल्ला पंजवा। सोरठ महल्ला पंजवा गए कलेश। गए कलेश रोग सब नासे। रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा धारी। प्रभ अपने कृपा धारी आठ पहर। आठ पहर आराधो स्वामी। आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी। पूरन घाल हमारी हर जियो। हर जियो तू सुख संपत रास। तू सुख संपत रास हर जियो। हर जियो तू सुख संपत रास। तू सुख संपत रास राख लहो। राख लहो भाई मेरे को। भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास। प्रभ आ गए अरदास राख लहो। राख लहो भाई मेरे को। भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास। प्रभ आ गए अरदास जो मांगो। जो मांगो सोई सोई पावो। सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा। अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा। अपने खसम भरोसा कहो नानक। कहो नानक गुरु पूरा भेट।
मिट्यो पूरा भेट्यो मिट्यो सगल अंदेशा मिट्यो सगल अंदेशा मिट्यो सगल अंदेशा मिट्यो सगल अंदेशा वाणी गुरु गुरु है वाणी गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे विच वाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे अनेक उपावी अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए अनेक उपावी अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए राग बिलावल राग बिलावल महला पंजवा महला पंजवा दुपदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया बाहा पकड़ प्रभ काट्या कीना अपनया सिमर मन तन सुखी सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया वाणी गुरु गुरु है वाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग गुरपूरे मन तन
मन तन शीतल, मन तन शीतल सुखी भया प्रभु ध्यावन। बिलावल महला पंजवा, बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया, रोग मिटाया आप प्रभ, आप प्रभ, रोग मिटाया, रोग मिटाया आप प्रभ, आप प्रभ, उपजा सुख शांत, उपजा सुख शांत, वड प्रताप, वड प्रताप, अचरज रूप, अचरज रूप, हर किन्ही दात, हर किन्ही दात, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद, कृपा करी, कृपा करी, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, राख्या मेरा भाई, हम तिसकी, हम तिसकी शरणागति, शरणागति, जो सदा सहाई, जो सदा सहाई, हम तिसकी, हम तिसकी शरणागति, शरणागति, जो सदा सहाई, जो सदा सहाई, रहाओ, रहाओ, बिरथी कदे ना हो वही, बिरथी कदे ना हो वही, जन की अरदास, जन की अरदास, जन की अरदास, जन की अरदास, बिरथी कदे ना हो वही, बिरथी कदे ना हो वही, जन की अरदास, जन की अरदास, नानक जोर, नानक जोर, गोविंद का, गोविंद का, पूरन गुणतास, पूरन गुणतास, पूरन गुणतास, पूरन गुणतास, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, सोरठ महला पंजवा, सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर, सिमर सिमर, गुर सतगुर अपना, गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया, सिमर सिमर, सिमर सिमर, गुर सतगुर अपना, गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया, ताप रोग, ताप रोग, गए गुर बचनी, गए गुर बचनी, मन इच्छे, मन इच्छे, फल पाया, फल पाया, ताप रोग, ताप रोग, गए गुर बचनी, गए गुर बचनी, मन इच्छे, मन इच्छे, फल पाया, फल पाया, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया, मे फल पाया, मन इच्छे फल पाया, सोरठ महला पंजवा, सोरठ महला पंजवा,
बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, 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 सगले रोग बिदारे, सगले रोग बिदारे, गुरपुरे की, गुरपुरे की, सरणी उबरे, सरणी उबरे, कारज सगल सवारे, कारज सगल सवारे, कारज सगल सवारे, कारज सगल सवारे, हर जन सिमरिया, हर जन सिमरिया, नाम आधार, नाम आधार, हर जन सिमरिया, हर जन सिमरिया, नाम आधार, नाम आधार, ताप उतारिया, ताप उतारिया, सतगुर पूरे, सतगुर पूरे, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, रहाओ रहाओ सदा आनंद, सदा आनंद, करे मेरे प्यारे, करे मेरे प्यारे, सदा आनंद, सदा आनंद, करे मेरे प्यारे, करे मेरे प्यारे, हर गोविंद, हर गोविंद, गुर राखिया, गुर राखिया, वड़ी वड्याई, वड़ी वड्याई, नानक करते की, नानक करते की, वड़ी वड्याई, वड़ी वड्याई, नानक करते की, नानक करते की, साच शब्द, साच शब्द, सत भाख्या, सत भाख्या, साच शब्द, साच शब्द, सत भाख्या, सत भाख्या, साच शब्द, साच शब्द, सत भाख्या, सत भाख्या, धन गुरु नानक, 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 सत श्री अकाल, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा, इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो, हर रोज। जब ये सीडी बन जाए ना, तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो। ये एक दिन का नहीं, पांच दिन का है, ये महापुरुषों के वचन है, पांच दिन। ये कोई इस प्रकार, जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्ति एकाग्रचित करके सुना है, गाया है, गावी है, सुनी है, मन रखी है भाव, इस प्रकार सुन लेंगे, गुरु मेहर करेगा, हम सबके तन मन और आत्मा तीनों आरोग हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं ना, तीने ताप निवारण हारा, तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक तन के रोग, एक मन के रोग, और एक आत्मा के रोग, जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसके नजर पाने का तरीका क्या है, गावी है, सुनिए, मन रखिए, पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए हम दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्त। दुख पर हर सुख घर ले जाए, दुख पर हर सुख घर ले जाए, सुख पर है, सुख पर है।